तो पार्टी जो सांसद मलविंदर कंग दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, कुछ कहा जा रहा है तो आजादी च जूझते रहे हो चार जिहड़े बाई इलैक्शन होण जा रहे हैं जिहदे चों बठिंडा जिले की गिदड़बाह भी है उस बाई इलैक्शन तो भी भगौड़ा हो गया। यह बड़े अफसोस की गल है और इहदे पिछे कारण इको ही है। कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि अज श्रोमणी अकाली दल बादल परिवार है, बादल परिवार इज इक्वल टू श्रोमणी अकाली दल। और इस तो भी वड्डी जिहड़ी गल मैं तुहानू दसना चाहुंना, जदों ये लोग सत्ता सीगे, जदों सत्ता दे हंकार च सत्ता दे नशे च चूर सी, उदों सिख संस्थावां दे जथेदार साहिबानां नूं तलब करदे सी, सिखां दे घाण करन वालियां नूं वड्डे वड्डे अहुदे ते वजीरियां दिंदे सी बादल के, पंजाब और पंथ दे दोखियां नूं वड्डियां पदवियां दिंदे सी। अज जदों भगौड़े होए इलैक्शन तो ते ढाल किहनूं बना रहे आ? श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे बनाए अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं ढाल बना रहे आ। उही जथेदार साहिबान जिन्हां जिन्हां नूं इन्हां ने सत्ता दे नशे च सत्ता दे अहंकार च इस बादल टब्बर ने अपने घर तलब भी किया सी, ते बेअदबी कराउण वालियां नूं पंथ दोखियां नूं जिहड़ी जिस तरीके नाल उहनां नूं माफीनामे इन्हां ने दवाए, उदों पंथक संस्थावां दी सब तो वड्डी ढा पंथक संस्थावां नूं इस बादल परिवार ने लाई सी। अज जदों भगौड़े होए इलैक्शन चों ते ढाल किहनूं बना रहा? श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं। और ये वेखो जथेदार साहब नूं बाहर आउणा पिया, सामने आउणा पिया, मीडिया दे मुखातब होना पिया कि असी पाबंदी सत्कारयोग परम सत्कारयोग जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं ये कहना पिया मीडिया च आके, असी पाबंदी सिर्फ और सिर्फ श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान तनखाईए सुखबीर बादल ते लाई आ, अकाली दल ते कोई असी इलैक्शन लड़न की पाबंदी नहीं लाई। हालात देखो तुसीं, पंथ परिवार दे मोच नूं परिवार दे मोह नूं पालन वास्ते इन्हां ने पंथ दा घाण कीता, श्रोमणी अकाली दल जमात दा घाण कीता, कोई लीडरशिप डिवेलप नहीं होण दित्ती क्योंकि परिवारवाद तो अगे इन्हां नूं कोई बंदा दिखिया ही नहीं। इन्हां ने उस पवित्र जमात जिन्ने हजारां लखां लीडर इस मुल्क नूं पंजाब नूं पंथ नूं दित्ते होण, अज चार असैंबली सीटां को कैंडीडेट नहीं मिल रहे। इहदे लई अगर कोई दोषी है, अज अगर 22 इलैक्शनां च भगौड़ा होण लई कोई दोषी है ते बादल दा टब्बर है, बादल परिवार है। और ये कल्ले कोई अकाली दल दे सिर्फ और अकाली दल दे दोखी नहीं है, ये पूरे पंथ और पंजाब दे दोखी है। इन्हां ने सत्ता च रह के पंथक संस्थावां दा घाण करन दी साजिशां कीतियां, ढा लाई, माण मर्यादावां उन्हां दियां तोड़ियां, तलब कीते, फरमान जारी कीते ते पंथ दोखियां नूं रुतबे दित्ते, ते अज जदों पतली गली चों भज रहे आ चार बाई इलैक्शनां तों ते ढाल फिर श्री अकाल तख्त साहब नूं बनाउण दियां जिहड़ियां इह कोशिशां जारी कर रहे, पंथ बिल्कुल इन्हां नूं माफ नहीं करूगा। दूजी गल, मैं कल एक बयान सुनिया राजा वड़िंग कांग्रेस के प्रधान, हालांकि माफी उन्होंने जरूर मंगी आ, लेकिन कांग्रेस की और राजा वड़िंग जी की बतौर प्रधान जो मानसिकता है सिख संस्थावां दे प्रति घटिया मानसिकता है, उहदा प्रगटावा जिस तरीके ने उन्होंने किया, आखे जी बादल परिवार की लिखी हुई स्क्रिप्ट ते जथेदार काम कर रहे आ, ना की कह रहे आ। देखो सब तो इंटरस्टिंग, आखे जी बादल परिवार बीजेपी नूं जिताउण लई आप इलैक्शन दा बायकट कर रहे आ क्योंकि बीजेपी दा कैंडीडेट मनप्रीत बादल है। राजा वड़िंग दा इह कहना कि बादल परिवार की लिखी हुई स्क्रिप्ट ते जथेदार साहब काम कर रहे हैं और बादल परिवार
बीजेपी नूं जतोण लई आप बायकट कर रहे इलेक्शन नहीं लड़ रहा, इहदा मतलब राजा मणिक जी तुसीं इह कहना चाहुंदे हो कि जथेदार बीजेपी दे इशारे ते काम कर रहा। खबरदार कांग्रेस वाले हो, खबरदार, तुसीं उह जमात हो, लोक हो जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहिब ते तोपां गोलियां नहीं चलाईयां, ढा ढेरी कीता। तुसीं उह लोक हो जिहड़े हमेशा हमेशा तो सिख कतलेआम दी ते सिखां दे पंथ दे ते दुनिया भर के नानक नाम लेवल लोकां दी सब तो श्रद्धा का केंद्र श्री दरबार साहब ते तुसीं अटैक कीता सी कांग्रेस वालिओ, और तुसीं इस तरीके नाल साडे उस पवित्र संस्था नूं बीजेपी नाल जोड़न दी हिमाकत कर रहे हो। खबरदार, तुहानूं भी पंथ और पंजाब कदी माफ करन वाला नहीं है। और यही हालात है, मैं पंजाब के लोगों भी दसना चाहना, यही हालात है कि चाहे श्रोमणी अकाली दल बादल हो, चाहे कांग्रेस की जमात हो, भाजपा तो ऑलरेडी ही पंथ और पंजाब के खिलाफ सी ते है ते रहना उन्होंने, लेकिन ये दोनों जमात जिन्होंने कई साल राज कीता पंजाब ते अकाली दल बादल टब्बर और कांग्रेस, इन्होंने हमेशा ही इस तरीके साडिया सब तो श्रद्धा का केंद्र साड़ियां पवित्र संस्थावां नूं इसे तरीके नाल ढा ढेरी और उन्हां नूं डीफेम कीता। इन्होंने हमेशा उन्हां दी माण मर्यादावां ते हमेशा सवाल चुके आ, यही इन्हां दा कल्चर रहा, चाहे वह कांग्रेस की गल कर लो चाहे बादल टब्बर की। इन्होंने साड़ियां संस्थावां सिखां दीआं और पंजाब दीआं संस्थावां ते इसे तरीके नाल उंगलां भी चुकियां और उन्हां नूं हमेशा कोई कसर नहीं छड्डी बदनाम करन तों। लेकिन अज समां बदल गया है, पंजाब पंथ और पंजाब के लोग नौजवान खासकर जिन्होंने 22 भी उन्होंने सबक सिखाया सी राजनीतिक तौर पर बाहर किते किते हुण किते भुलेखा ना रवे कांग्रेस बादल टब्बर नूं, क्योंकि सारे इक्को थाली दे चट्टे बट्टे आए, सारे आपस रिश्तेदार है, जदों जी करदा साडियां पवित्र संस्थावां नूं वरत लैंदे आ, जदों जी करदा उन्होंने उन्होंने एलीगेशन से इल्जाम तराशी कर लग जाते हैं, जदों जी करता है उत्थे वलटोए वर्गे बदमाशा भेज के जथेदारा धमकियां देंदे आ। ये उही जमात है दोनों अपने अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाउण लिए लोग जिहड़े आ अज तक पंथ पंजाब और सिखां दा कान करदे रहे, पर हुण ना पंजाब ना पंजाबी ना पंथ इन्हां नूं बर्दाश्त करूगा और साडियां जिहड़ियां पवित्र संस्थावां चाहे वह श्री अकाल तख्त साहिब होवे चाहे उत्थों दे साडे सत्कारयोग जथेदार साहिबान होण, हमेशा चढ़दी कला च रहणगे और इस पंथ दोखियां नूं पंजाब दोखियां नूं कदी पंथ मूंह नहीं लाऊगा, लोग मूंह भी नहीं लाउणगे और उचित समय ते इन्हां नूं सबक भी सिखाउणगे। ये मैं जरूर अज कहना चाहुंदा हां। बिल्कुल असीं राजा वड़िंग जी नूं भी खबरदार कहिंदे, कोई हक नहीं तुहानूं जिहड़ा इंदिरा गांधी नूं अपनी मां कहिंदा होवे उहनूं कोई श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ते उंगल उठाउण दा कोई हक नहीं है। बेशक अज तुसीं ड्रामा करदे हो, माफी मंगी, पर तुहाडी अंदरली मानसिकता राजा वड़िंग और कांग्रेस की उहदी झलक पई आ और बादल टब्बर का जिहड़ा हालात ते हशर होया, अज हालात यह आ कि ये भगौड़े हो गए पंजाब दे और इन्हां नूं गांह भी लोगों ने मूँह नहीं लाउणा, जिन्हां ने भोग पाता पंजाब की पवित्र जमात की। लेकिन अखीर पंथ पंजाब हमेशा चढ़ती कला च रहा है, हमेशा रहूगा। इस विषय पर तुहाडा कोई सवाल हो? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ